नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसे। आज मुद्दा है अग्निवीर पर फिर सियासी तीर। जी हां, अग्निवीर को लेकर फिर सियासत गर्मा रही है। इसकी वजह यह है कि प्रदेश की मोहन सरकार ने अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण देने का ऐलान किया है, लिहाजा ये फैसला कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। वो कह रही है कि प्रदेश में नौकरी बची ही कहाँ है, आरक्षण देकर महज युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। तो बीजेपी का कहना है कि सेना पर सवाल उठाना कांग्रेस की पुरानी आदत है, लेकिन अब सवाल यह है कि अग्निवीरों को आरक्षण देने के फैसले को कांग्रेस छल क्यों बता रही है। क्या उसे यह डर है कि अग्निवीर का मुद्दा उसके हाथ से निकल जाएगा। सवाल तो यह भी है, क्या बीजेपी ने आरक्षण देकर फिर मास्टर स्ट्रोक चलाए। आज इन सवालों पर चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भी अग्निवीरों को आरक्षण, आरक्षण पर शुरू हुआ सियासी रण। मध्य प्रदेश में मौसम और सियासत दोनों का मिजाज बदल चुका है। मूसलाधार बारिश से जहां नदी नाले उफान पर हैं, तो अग्निवीर योजना पर प्रदेश की सियासत उबाल मार रही है। दरअसल यूपी छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश में भी अग्निवीर को पुलिस पीएसी फॉरेस्ट गार्ड में आरक्षण मिलेगा। कारगिल विजय के 25 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी घोषणा की। हालांकि दो साल पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। वही हरियाणा सरकार अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला पहले ही कर चुकी है। हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। अग्निवीर जवान की योजना सच्चे अर्थों में सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है। इधर सीएम ने अग्निवीरों को सौगात दी, तो इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव में इसे अहम मुद्दा बनाने वाली कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि अग्निवीर छलावा है, वैकेंसी है तो नियमित सेवा में रखा जाना चाहिए, आरक्षण सिर्फ आई वॉश करने के लिए दिया गया है, लोग आवाज ना उठाए, मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं दिखाई। बीजेपी ने मोहन सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति करती है। एक ये झांसा क्यों दे रहे हो जनता को कि हम इनको नौकरी लगाएंगे, नौकरी है कहाँ? कितनी बार मध्य प्रदेश सरकार ने एडवर्टीजमेंट्स निकाले हैं, लोगों ने अप्लाई किए हैं, उसके पैसे दिए हैं, लेकिन नौकरी नहीं लगती, न इंटरव्यू होता है, न उसकी लिखित परीक्षा होती है, उसकी आंतरिक रचनाक्रम का आज तक पता ही नहीं है जो आपने विज्ञापन निकाले। तो मुझे विश्वास नहीं है कि सरकार अग्निवीरों के लिए कुछ करेगी। सेना को लेकर कांग्रेस का इतिहास कलुषित है, काला है। सेना के मनोबल को, साहस को बढ़ाने के पक्ष में यदि कुछ फैसले हो रहे हैं, कुछ ट्रेंड हमारे फौजी तैयार करने के लिए कोई व्यवस्था बनाई गई है, तो उसका विरोध करते हैं। इसके विरोध से कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी राज्य सरकारें और विशेष रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने ये संवेदनशील और राष्ट्रहित का फैसला लिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी शासित राज्यों में अग्निवीरों को आरक्षण देना मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि सेना में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच टकराव चल रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे बंद करने की मांग की है। चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर इस योजना को बंद करने की बात भी कही गई थी, लेकिन अब आरक्षण देकर बीजेपी कांग्रेस के हाथ से इस मुद्दे को छीन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा, कांग्रेस से हमारे साथ हैं भूतपूर्व सैनिक विभाग से रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम सुंदर श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि अग्निवीरों को
झांसा दे रही है बीजेपी, नौकरी तो है नहीं है तो दोगे कहां से, ये एक छल है, धोखा है। देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस की बाइट लेते समय शायद आपने उन्हें बताया नहीं कि ये किसी और भर्ती की नहीं बल्कि सैनिक भर्ती की बात हो रही है जिसकी नियमित तौर पर प्रक्रिया चलती रहती है। और यहाँ पर तो कांग्रेस से प्रवक्ता के तौर पर पूर्व सैनिक ही बैठे हैं, मुझे लगता है कि वो त्रुटि को सुधारेंगे। पर कांग्रेस जिस प्रकार की भद्दी छोटी राजनीति सैनिकों के साथ कर रही है, मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में जिस प्रकार से सैनिकों का शूर प्रत्येक घर में जिसकी सराहना की जाती है, हम जब चैन से सोते हैं, चैन से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो उसके पीछे हमारे सैनिक जो हैं वो बॉर्डर पे हमारे लिए कड़ी सुरक्षा मुहैया करा रहे होते हैं। और जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और जिस प्रकार से हमारे देश ने ये निर्णय लिया है कि हमारे सैनिक जो है वो युवा रहे, हमारी सेना जो है वो युवा रहे, उसको लेके एक निर्णय लिया किया गया है, तो वो कांग्रेस ही इस पर प्रश्न उठा रहे हैं जो सेना के प्रमुख को गुंडा कहकर संबोधित करते हैं। वो कांग्रेस ही प्रश्न उठा रहे हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक पर प्रश्न उठाते हैं। तो जिनके मन में सेना के लिए सम्मान नहीं है, वो प्रत्येक मुद्दे की तरह अग्निवीर अग्निपथ योजना के मुद्दे को भी उसी का एक हिस्सा बना रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं कि ब्रजेश जी, ये केवल हमारे देश में नहीं हो रहा है कि सेना को युवा बनाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। रशिया, अमेरिका, ब्राजील, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, जॉर्जिया, ब्रिटेन, इटावा, चाइना, इन सब में इस प्रकार के जो प्रोसेस है उसको अपनाया गया है। और मैं तो विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये जो अग्निवीर हैं उनके लिए भी एक स्पेशल प्रोविजन करके रिजर्वेशन की बात उन्होंने कही है सशस्त्र बल में और पुलिस भर्तियों में। कई अन्य राज्यों ने भी इसको अपनाने की बात कही है और ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। अगर एक स्पेशल ट्रेनिंग हो रही है, स्पेशल ट्रेनिंग के तहत सेना में भर्ती किए जा रहे हैं युवा नौजवान, जो न केवल डिसिप्लिन्ड होंगे, न केवल उनमें अनुशासन आएगा, बल्कि उसके साथ साथ में उन्हें आगे के लिए भी जीवन में एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो ये स्वागत योग्य कदम है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो श्रीवास्तव जी, क्यों सेना पर राजनीति कर रही है कांग्रेस? आप तो कुछ सेना से रहे हैं, पूरे देश कांग्रेस करी राजनीति आज से पहले सेना से ये कर... तो पूरे देशों में भी हो रहा है, तो हमारे देश की सेना भी युवा रहे तो क्या बुराई है? थोड़ी सी नॉलेज लेकर और बात बताने से कुछ नहीं होता। बाकी जितनी जगह की अभी मैडम ने एग्जाम्पल दी है, उनके पास उनकी रेगुलर सेनाएं हैं और उसके अलावा वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं, इसलिए 2 साल 3 साल 4 साल के लिए उनको वहां पर भेजते हैं। हम क्या मना कर रहे हैं? आप अपनी सेना को रहने दीजिए 14 लाख की सेना को, उसके बाद जितने लोगों को आपको एडिशनल ट्रेनिंग देना है आप भी दीजिए 2 साल 3 साल 4 साल और उनको वापस लेकर के आइए। लेकिन ये जो 4 साल वाला मुद्दा है, पहली बात तो आपको ये बता दूं कि जिनको नॉलेज नहीं है और वो इन बातों की बात कर रहे हैं, इसका तीनों चीफ ने विरोध किया था। नरवाल साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि जब ये पीएमओ से आया तो हम सब शॉक थे, और मैं तो एज ए आर्मी चीफ ये भी मान रहा था कि चलो ठीक है 25% को हम बाहर कर देंगे, एयरफोर्स और नेवी वाले तो इसके लिए भी तैयार नहीं थे। तो सेना के जो अध्यक्ष हैं वो ज्यादा काबिल हैं या हमारे सब बैठे हुए राजनीति ज्यादा काबिल है? दूसरी बात, क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि आज की लड़ाई जो है ना वो दंग युद्ध नहीं होता है, कि मल्ल युद्ध नहीं होता है कि हम जाकर के ऐसे लड़े, वो लास्ट में जाकर कभी हो सकता है। जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें सक्षम रहना चाहिए, लेकिन ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। युवा आज सेना के अंदर जो लोग चले जाते हैं 35 साल तक वो सारी पहाड़ियों को चढ़ सकते हैं। उसके अलावा सेना जो है वो आज बहुत ज्यादा आधुनिक हो गई है। ये वैसा नहीं है कि आपने तलवार चलाना सिखा दी 6 महीने में और आपने लेके लड़ना शुरू कर दिया। आज के जो इक्विपमेंट है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, उनकी अलग से ट्रेनिंग होती है, 3 साल 4 साल के अंदर तो ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में जाकर के आपको अलग अलग, हमारी बॉर्डर्स अलग अलग है, राजस्थान बॉर्डर अलग है, चाइना बॉर्डर अलग है, जेएनके बॉर्डर अलग है, जंगलों के अंदर नागालैंड की बॉर्डर अलग है, उनके अंदर उनको ट्रेंड किया जाता है। 4 साल के अंदर आप उसको जितनी ट्रेनिंग दे रहे हैं उतना करके उसको आप वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर 75% 4 साल के जवानों के बाद में आप उनको वापस भेज देंगे, हर साल करीब 1 लाख आर्मी आती है, 75% बाहर भेज दिए, थोड़े दिनों के बाद में जो आपकी 13-14 लाख की आर्मी है उसमें से 10 लाख 4 साल वाले रहेंगे, जिनको कि पूरे ठीक से सब हथियारों के नाम भी पता नहीं होंगे, पूरी तरह से उसको ऑपरेट भी नहीं कर रहेंगे। आज तक हमने कोई जंग नहीं आ रही है, इसका यहाँ पर प्रयोग क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है मुझे बताइए? 4 साल की आपको ट्रेनिंग देना है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ट्रेनिंग देके उनको वहां पर भेज सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, पूरे देश में, पूरे विश्व में
जो सैनिक वापस आते हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, क्योंकि जब वो वापस आते हैं तो उनकी उम्र 35 साल होती है, यंग होते हैं, ट्रेंड होते हैं, सारे काम कर सकते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, लेकिन उस समय उनके बच्चे छोटे होते हैं, उनके माँ बाप बूढ़े होते हैं, उनको दूसरी नौकरी चाहिए, पूरा का पूरा विश्व उनको उनको जो है रिजर्वेशन देता है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो 10% रिजर्वेशन 1994 से चला रहा था 2020 में उसको हटा दिया, कैंसिल कर दिया। लोगों ने जब ये सैनिक जब सड़कों पे आए तो उनके अंदर अलग अलग धाराएं लगा दी, और उसके बाद ये उसमें हाईकोर्ट के अंदर केस चल रहा है। अभी ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इन्होंने ये भी नहीं कहा कि किस तरह से कितना रिजर्वेशन देंगे, कहाँ देंगे, और आज ही मुख्यमंत्री दे सकते हैं, लेकिन इनकी नियत जिस तरह की पहले देखने से आई है उससे नहीं लगता कि इसको कंटिन्यू करेंगे। और लेकिन आप ये नहीं मानते कि यदि प्राथमिकता से पुलिस में, बाकी सुरक्षा एजेंसियों में, पुलिस के अंदर सेना में सेना के लोग ट्रेंड होकर भर्ती होंगे तो उसमें भी सुधार होगा, अनुशासन होगा, समाज में अनुशासन होगा। अभी 600 वैकेंसी थी हुजूर वहां पर, उसके अंदर 600 वैकेंसी 6000 में से सेना के अंदर जाना थी, ये सुधार कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उसको रिजर्वेशन करके वो सादा सुधार खत्म कर दिया। बताइए ये जो पुलिस, क्योंकि पुलिस के अंदर अगर ये लोग जाएंगे तो अच्छे ही करेंगे, और वो अच्छा नहीं चाहते। तो इस तरह की जो दूसरी बात, अग्निवीरों का बहुत जो मसला है वो गलत है, उसके लिए अगर ये सिर्फ एक रिजर्वेशन का अनाउंस कर देने से वो ठीक नहीं हो जाएगा, इसको किसी भी तरह से सेना से हटाना होगा। जो लोग अभी हमारे भर्ती हो गए उन्हें परमानेंट करना पड़ेगा, वरना हम सेना को कमजोर कर रहे हैं। तो उसी में से कर रहे हैं ना, उसी में से तो आगे बढ़ रहे हैं ना, तो वो ट्रेंड होते चले जाएंगे। बाकी के जो आ रहे हैं उनके लिए रिजर्वेशन की बात हो रही है ना, तो उससे एक तो समाज में सुधार होगा, अनुशासन आएगा, सेना वाला कितना अनुशासन होता है आप देखिए, पूरा परिवार पूरे देश में अनुशासन आएगा, ये आगे जाके उसका दूरगामी परिणाम देखिए ना मेजर साहब, दूरगामी परिणाम। 26,000 किलोमीटर की बॉर्डर से उसके लिए सब सुधार इधर होगा तो उसे कौन लड़ेगा? आज जाकर के आप कम से कम लड़ाइयां लड़ करके जीत तो सकते हैं, फिर ये 4-4 साल वाले जाएंगे जिनको पूरी नॉलेज नहीं होगी, जिनको पूरी ट्रेनिंग नहीं होगी, वो आपकी क्या सुरक्षा करेंगे? और फिर उसके बाद में जो उनको सहूलियतें दी जा रही हैं उसके हिसाब से भी जो सेना की ट्रेनिंग होती है बंद की है ना मेजर साहब, के टॉप मोस्ट पर भी ये 4 साल वाले जा रहे हैं। जनरल साहब, जनरल, हां फिर, हां बताइए, बाकी तो टॉप मोस्ट पे तो रहेंगे ना। अरे नहीं है, लड़ाई जो लड़ने वाले 13 लाख लोग जो लड़ाई लड़ते हैं, जवान से लेके जेसीओ तक होते हैं, उनकी सारी भर्तियां बंद कर दी, सारी की सारी भर्तियां अभी जो हैं वो अग्निवीर के थ्रू होंगी। अगर मान लीजिए वो भर्तियां चलती रहें और एक्स्ट्रा अग्निवीर भी रहें तो कोई बुराई नहीं है, जरूर करिए, और उनको वापस ला करके अपने समाज के अंदर रखिए, समाज के अंदर अनुशासन लाइए, लेकिन सिर्फ उन 13 लाख को क्यों खत्म कर रहे हैं? ठीक है, छोटा जवाब ले लेते हैं नेहा जी, वो 13 लाख को क्यों खत्म कर रहा है? वो तीनों आर्मी चीफ ने भी विरोध किया था ऐसा उनका कहना है। देखिए ये बुक है, एक नहीं अनेकों कमेटी के रिकमेंडेशन पे इस योजना को लाया गया है। कारगिल रिव्यू कमेटी 2000 की जो है उसमें भी इसको रिकमेंड किया गया था, और उसके बाद जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तो अब कह रहे हैं कि तीनों सेना प्रमुखों ने इसका विरोध किया है। मुझे तो हैरानी हो रही है कि आप स्वयं सेना से आते हैं, आप कम से कम कांग्रेस की उस भ्रामक बात को आगे ना बढ़ाएं कि केवल 4 साल की जॉब और उसके बाद 25 साल। सर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, 25% लोगों का जो इसमें सिलेक्शन होगा वो निरंतरता के साथ वहां पर रहने वाले हैं, आप उसको 4 साल कहकर खारिज नहीं कर सकते यहाँ पर जनरल साहब। और मुझे लगता है कि ये 4 साल का जो ड्यूरेशन है वो ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जो वो नौकरी का है उसकी कंटिन्यूटी में 25% के सैनिक है हमारे जिनकी रेगुलर ट्रेनिंग्स होंगी, जो आप कह रहे हैं कि विशेष बॉर्डर्स पर जो स्थापित होंगे जहां पर जिसकी जैसी आवश्यकता होगी वो वहीं पर रहने वाले हैं। यथावत है 2022 से आज 1 लाख ऐसे नौजवान है जिनकी भर्ती इस योजना के तहत की गई है, बहुत बेहतर ट्रेनिंग्स चल रही है, अच्छा कार्य हो रहा है। मुझे लगता है कि सकारात्मकता के साथ में अगर किसी चीज को देखा जाए, अन्य देशों के भी मैंने आपको उदाहरण दिए हैं जहां पर इसको लिया जा रहा है, और जिसको कहीं पर अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको हमें भी अपने इनोवेशंस में जोड़ना चाहिए। मुझे लगता है हर चीज राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकती। BSF हो, CIF हो, उन्होंने स्वयं कहा है कि हम इसमें स्पेशल इंडक्शन प्रोग्राम्स चलाएंगे, भर्ती करवाएंगे। राज्यों की, विभिन्न राज्यों की सरकारों ने इस बात को स्वीकार किया है कि जब ये ट्रेन होकर युवा हमारे पास आएगा तो ना केवल अनुशासित होगा, अनुशासन के साथ में उसके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग होगी जिससे एक बेहतर समाज में भी एक उनका योगदान होगा। तो मुझे लगता है कि एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में हमें इसे देखना चाहिए।
और मैं फिर से कहूंगी कि जो लोग एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न उठाते हैं, जो सेना प्रमुख को ही गुंडा कहते हैं, आज वो उनके हवाले से मनगढ़ंत कहानियां सुनाने में लगे हूँ। ठीक, चलिए इसका जवाब लूंगा मैं मेजर साहब से, लेकिन मनोज जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। मनोज जी साहब जनरल 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 बोलिएगा। मैं हाँ मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है मेजर जनरल जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है मनोज जी, क्यों सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है सेना को, अग्निवीरों को जिस तरह से के दूसरी नौकरियां नहीं मिलेंगी, पहले ये कहा जाता था, अब नौकरियां देने का वादा कर रही हैं, भाजपा शासित राज्यों ने घोषणा कर दी है, पीएम ने भी कर दी है, फिर क्या सिर्फ सियासत में क्यों इस मुद्दे को उछाला जा रहा है, क्या बंसा देखते हैं आप? देखिए ब्रिजेश जी, सबसे पहले जो श्रीवास्तव जी ने कहा कि दोनों चीजें उन्होंने कह दी है, तो मैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ा दूं कि सीडीएस जो थे बिपिन रावत, उन्होंने इस स्कीम का शुरुआत की थी, इसको लागू किया जाना चाहिए, है ना। मनोज नरवणे उनके बहुत बाद में आए। दूसरी एक बात है कि मेन पावर की जो बात है, युवाओं की बात हो रही है, कारगिल के हमने जीत के 25 साल अभी पूरे किए, लेकिन उस 25 साल में हमको ये देखना पड़ेगा जो पहले हमारे शहीद थे। लगता है कुछ तकनीकी वो है, मुझे लगता है कि आपकी आवाज स्पष्ट आ नहीं रही है। मनोज जी की आवाज आ रही है स्पष्ट? जी जी मनोज जी, तो जो बिपिन रावत थे सीडीएस, उन्होंने इसकी तारीफ की थी। और दूसरी बात है, जो कारगिल युद्ध की हमने 25वीं वर्षगांठ मनाई है, जो पहले हमारे शहीद थे मेजर सौरभ कालिया, उनकी उम्र कितनी थी? 23 साल। विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र मिला था, उनकी उम्र कितनी थी? 25 साल उम्र थी। तो ये कहना खारिज करना कि युवाओं के कारण 4 साल की ट्रेनिंग वो क्या कर लेंगे, या कारगिल जीत हमें उन्हीं युवाओं के कारण हुई है, चाहे वो टाइगर हिल हो, चाहे वो तोलोलिंग हो, या तमाम सारी जो चोटियों पर चढ़े हमारे जवान, वो सारे के सारे युवा थे। मेन पावर इसलिए ज़रूरी है, युवा फौज। आप रूस का उदाहरण देख लीजिए, यूक्रेन जैसे पिद्दी देश से वो लड़ रहा है, 3 साल हो गए हैं उनके पास, अपनी सेना खत्म होती जा रही है, भारत से झांसा देकर वो लोगों को ले जा रहे हैं, वह युद्ध में उनको झोंक दिया जा रहा है। जबकि वो रूस है जो टेक्नोलॉजी में हथियारों हमसे कहीं आगे हैं, जिनके हथियारों के बल पे हम पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं, चीन की बॉर्डर पे भी हम मुकाबला कर रहे हैं, जिनमें 80-70% 80% जो हथियार हमारे रूस से आते हैं। तो मेन पावर और टेक्नोलॉजी दोनों की ज़रूरत है, और युवा खून की भी ज़रूरत है। हम इसराइल का आप देख लीजिए कि वहाँ हर एक बच्चे को सैन्य प्रशिक्षण आरंभ है, जरूरी है। आज अगर इसराइल 3 मोर्चों पर लड़ रहा है, वो हुतियों से लड़ रहा है, वो हमास से लड़ रहा है, वो गाजा पट्टी में युद्ध लड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें दिखा रही कि आपको युवा खून भी चाहिए, युवा जोश भी चाहिए। तो आप केवल ये कहकर खारिज नहीं कर सकते कि 4 साल बाद वो क्या करेगा, क्योंकि अगर सेना में मान लीजिए जो श्रीवास्तव जी ने कहा कि 35 साल बाद वो रिटायर होकर दूसरी नौकरी कर रहा, आज वो 17 साल मिनिमम उम्र है अग्निवीरों के लिए, अगर वो रिटायर होता और मान लीजिए 21 साल में भर्ती होता तो 25 साल में जब वो हटता है तो कम से कम उसके पास 10 लाख रुपया होता है। उसके बाद 2 चांस होते हैं, एक उस 10 लाख रुपये के साथ वो अपना व्यापार शुरू कर सकता है सरकार से और लोन लेकर, दूसरा वो सरकारी नौकरियों में जो हमने देखा कि जो बात चल रही, मध्य प्रदेश में हालांकि ये तय नहीं है कितने फीसदी आरक्षण है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, लेकिन ये तो आरक्षण पहले से भी देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी आपको पटवारी मिल जाएंगे, तमाम सारी जगह। तो केवल आप ये कहकर खारिज नहीं कर सकते कि सेना में अनुभव की कमी हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ मेन पावर जरूरी है। आप जम्मू कश्मीर का उदाहरण देख लीजिए कि सेना के पास ड्रोन है, फिर विरोध क्यों? मिसाइल है, सिर्फ वो युवा बार वोट बैंक दिख रहा है। अगर आप देखिए, अगर ऐसा होता तो हिमाचल उत्तराखंड सबसे ज्यादा सेना के लोग जाते हैं, मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, रीवा की बात कर लीजिए, आप भिंड मुरैना चंबल की बात कर लीजिए, सबसे ज़्यादा सेनाओं में यहाँ मध्य प्रदेश के यहाँ से लोग मिलेंगे। तो अगर इसका पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता था तो कांग्रेस को यहाँ मिल सकता था। तो श्रीवास्तव जी फिर क्यों सियासत? आप तो सेना से भी आए हैं, यदि इससे व्यवस्थाएं और बेहतर होती हैं तो इसका स्वागत करना चाहिए, बल्कि कांग्रेस को समझाना चाहिए आपको तो। मेरा यही सबसे बड़ा इशू यही है सर कि मैं सेना से आया हूँ, जो लोग ये बात नहीं समझ रहे, मैं समझ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैंने ये सब कुछ देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो भी मुद्दे हैं मुद्दे से हट करके बात करते हैं, आप बताते हैं इसराइल की बात बताते हैं, इसराइल के अंदर हर इसराइल में और हमारी फौज में अलग है, हमारे यहाँ एक फौज अलग टाइप की होती है, इसराइल में हर आदमी फौज का आदमी है, हर एक को फौजी की ट्रेनिंग दी जाती है, पूरा का पूरा इसराइल जो है वो लड़ाई के लिए आगे जाता है। हमारे यहाँ होता है ऐसा, हमारे एक अलग फौज है जिसे हमें रखना है, अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए रखना है, उसके साथ हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। श्रीवास्तव जी, आप हम एक साथ तो सबको ट्रेनिंग नहीं दे सकते ना, बटरा की बात करते हैं, धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बनेगी ना, एक साथ सबको ट्रेनिंग नहीं दे सकते ना, चौपट हो जाएगी सर, व्यवस्था चौपट हो जाएगी, कल आपको मुश्किल हो जाएगी जब यहाँ लड़ना पड़ेगा। यहाँ बैठ करके हम बहुत सारे वाद विवाद कर सकते हैं, वहाँ जा करके लड़ाई करना इतना आसान नहीं है। और 4 साल और जो हम सेना है, सेना के अंदर जो भी भर्ती होता है वो सब 17 साल में होते हैं, सब 18 साल में होते हैं, वहाँ पर एक बैलेंस रहता है,
17 18 साल 20 के रहते हैं, 20 25 के भी रहते हैं, 30 35 के भी रहते हैं, उसके बाद उनको रिटायर कर देते हैं। जो लोग ऊंचे पदों में जाते हैं, जो दिमाग की लड़ाई लड़ते हैं, उनको थोड़े दिन और रखते हैं। तो ये सारा कुछ बहुत जमाने से चला आ रहा है और इसका उदाहरण ये है कि हमने अभी तक की सारी लड़ाइयां 62 के अलावा जीती हैं और बहुत अच्छी तरह से जीती हैं। फिर इसके ऊपर ये इस तरह का आप क्यों प्रयोग करना चाहते हैं? श्रीवास्तव जी, हमें देश दुनिया के अनुसार चलना पड़ेगा ना। जब हम देख रहे हैं अगले विश्व युद्ध की जैसे हालात बनते जा रहे हैं, जिस तरह से आपस में देश भिड़ रहे हैं, तो हमें अपने लोगों को ट्रेंड करने में क्या बुराई है? ये आगे जाके कौन मना करता है? मेरी 13 लाख है ना, धीरे धीरे करेंगे। मैं कहता हूँ आप एनसीसी लगाते हैं, पूरे देश में लगाइए, एक साल के लिए, दो साल के लिए, सारे एनसीसी कैडेट्स को बॉर्डर पे भेजिए। जाते हैं ट्रेनिंग में, यहाँ जब उनको 10 लाख मिलता है, जब नौकरी के एक बोल भेजा कि आगे भी उनको फायदा मिलेगा, तब जाता ना। आज आप बताइए, एक लड़का, एक आदमी लड़का जब वहाँ से वापस आता है, 10 लाख रुपए में कैसे अपनी इतनी बड़ी जिंदगी जी लेगा? और जो वापस आने वाले हैं वो कम नहीं है, एक साल में 75,000 लोग वापस आएंगे। लेकिन 25 साल की उम्र में उसके पास 10 लाख भी नहीं रहता श्रीवास्तव जी, आर्मी में ना जाए ज्यादा आरक्षण नहीं देंगे? कितने लोग आएंगे? 600-800 उम्र में, यदि 25 साल में यदि वो नहीं जाएगा सेना में, तो उसके पास रहेगा क्या? एक कागजी डिग्री बस, ग्रेजुएशन की, इसके अलावा क्या रहेगा? 10 लाख तो है उसके पास, तो वो कुछ कर सकता है? नहीं नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो उसका प्राइम टाइम था, जब वो एक अपना अच्छा कैरियर चुन सकता था, वो भी नहीं रहा। वो जो फौज की ट्रेनिंग करके आया है, उसको नौकरी दिलाने के अंदर बहुत मदद नहीं करेंगे? सब मिलाकर के आप तो सेना की ये तो उसकी स्वेच्छा से गया ना वो नौकरी करने, ये कंपलसरी तो नहीं कि इसको जाने देश के लिए ठीक नहीं है। और श्रीवास्तव जी, आप भी जानते हो इतनी नौकरियां तो है नहीं है। आप में आप ये सकारात्मक सोच है, हमें नकारात्मक नहीं करना है। और हमें देश के, हम ये कांग्रेस किसी वजह, तो फिर कांग्रेस को यदि इतनी चिंता है युवाओं की, तो कांग्रेस शासित राज्यों में उसके गठबंधन के सहयोगियों वो भी आरक्षण दे दे कि भाई नौकरी से आ रहे हैं, सरकार इनके साथ दुर्व्यवहार कर रही, वो तो दे रहे हैं, आप भी दे दीजिए, 50% कर दें, 50% कर दीजिए। कांग्रेस इस योजना को ठीक मानती नहीं है, ये योजना आप खत्म कर दीजिए। आरक्षण जितने फौजी हैं वो सब कांग्रेस राज्यों के अंदर आरक्षण मिल रहा है उनको, जितने भी रिटायर होकर के लोग आते हैं उन सबको कांग्रेस राज्यों के अंदर रिजर्वेशन मिल रहा है। लेकिन वो जिस युवा पे आप दांव चल रहे हैं, वो युवा भी तो आपकी बात नहीं मान रहा। कौन युवा नहीं मान रहा? जिन क्षेत्रों से सर्वाधिक सेना में जाते हैं, वहां भी बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। वहां भी आप देखिए ना, जहां पहले 10-10 लाख लोग तैयारी करते थे, आज मुश्किल से 2-2, 2.5 लाख रह गए। लोग जो कहते हैं, जब हमने उनसे इंटरेक्शन किया कि लोग जाने को तैयार नहीं है, वो तो अभी मजबूरी है, कई लोग जो अभी तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो उनकी संख्या कितनी कम हो गई है। पहले वही जो अभी बताया था, अभी आप ही कह रहे हैं ना श्रीवास्तव जी, अलग से ट्रेनिंग की व्यवस्था कराई है। जब देखिए आप उनको नौकरी दे रहे हैं, भले कम समय के लिए दे रहे हैं, 10 लाख रुपए दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं नौकरी में, तब लोग नहीं जा रहे हैं, तो ट्रेनिंग लेने कौन जाएगा? तो ये देश के लिए इतना तो है कम से कम। लोगों को वंदे मातरम कहने में दिक्कत आती हो, नहीं बनती है ये योजना। श्रीवास्तव जी, देश जिस देश में लोगों को वंदे मातरम कहने में दिक्कत होती हो, आप उनसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं? चलिए, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर अग्निवीर पर जो सियासत हो रही है, वो कहीं ना कहीं युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए की जा रही है। यदि ये योजना है, बेहतर है यदि इसकी देश की सेना युवा होती है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उसमें कुछ कमियां हैं तो सुधार करना चाहिए या सुधार के सुझाव देना चाहिए। लेकिन हर मुद्दे पर सियासत लगता है विपक्ष की आदत हो गई। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, तो आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।